सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, सुबह होते ही पापा जी ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए। ये देखिए गाइस, इतने सारे पैसे दे दिए हैं। सो इनसे एंजॉय नहीं करना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, दवा लानी खेतों के लिए। सो अपन के साथ ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया है। सो गाइस, मैं आज का मौसम दिखा दूँगा आपको, तो पीछे देखिए मेरे बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। सो ऐसे में तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, फिर तो आज खेतों में दवा भी डालनी है। तो ये देखिए गाइस, कितना सारा कोहरा है बाहर, तो ऐसे में हमको जाना पड़ेगा अभी दवा भी लेने और फिर उनको खेतों में डालना भी है। सो गाइस, चलते हैं फिर व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सो फाइनली गाइज, अपन अभी निकल लिए हैं और अपन ये पहली फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की जो आई थी उससे गाड़ी ली थी, तो इसी से चलेंगे अभी। तो रोड ट्रिप को एंजॉय करिए आप लोग, आइए। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं बीज भंडार की दुकान पर। तो भैया तो अभी है नहीं, भैया आएंगे तो फिर दवा मिल जाएगी। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं सस्ते मनाली, जो कि आप मेरे ऊपर बोर्ड देख पा रहे हैं। तो बर्फ की कमी है, बाकी पूरा सीन मनाली वाला है, तो इसको सस्ता मनाली भी बोल सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं अभी घर और आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। सो फाइनली गाइस, हम घर आ चुके हैं और अभी देखते हैं हमारा स्प्रेयर चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं जाते टाइम इसको लगा गया, तो देखिए गाइस मेरा स्प्रेयर पूरा चार्ज हो चुका है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं और चलते हैं फिर खेत की तरफ। ब्लॉग पर अब कंटिन्यू बने रही है मेरी जान। सो फाइनली गाइस, अभी अपन पहुंच चुके हैं खेत। सो सारा सामान मैं अपने स्त्री चक्री वाहन से ले आया था और एक चीज़ रह गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी सुबह सर्द में जाना पड़ा, जो कि थी दवा। तो उसको मैं घर पर ही भूल आया हूँ, तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न और ले के आते हैं दवा। तो आप लोग कहीं भी ब्लॉग को छोड़ के मत जाइए, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज धूप है नहीं। तो ऐसी सर्दी में मैं आज इस खेतों में काम करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और भैया इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।
सो गाइस अभी अपन दवा लेकर घर से फिर से खेत की तरफ यूटर्न ले लिया है। सो अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं पैदल ही आया हूँ और मैंने अपने त्रिचक्री वाहन को घर पर ही छोड़ दिया है। सो गाइस ये रही मेरे हाथ में दवा, तो अभी चलते हैं खेत। कंटिन्यू बने रही है हमारे ब्लॉग पर। तो भैया वी आर बैक टू अगेन। सो अभी हम दोबारा से आ गए हैं अपने खेत। तो गाइस आप पीछे मेरे व्यू देख पा रहे होंगे, बगैर सनलाइट के कैसा व्यू है। तो अभी देखना ये है कि बगैर सनलाइट के कैसे अपने सोलर सिस्टम से पानी निकलेगा। सो चलते हैं फिर, पानी को निकालते हैं और करते हैं व्यवस्था दवा डालने की। सो भैया अपन पहुँच चुके हैं अभी सोलर सिस्टम के पास। सो यहाँ पे अपना कंट्रोलर है, सो इसको यहाँ से ऑन करेंगे ऐसे। तो मोटर को मैंने ऑन कर दिया है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, तो तब तक देखते हैं और क्या हो सकता है गाइस। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो फाइनली गाइस 1.5 घंटे की लगातार प्रतीक्षा के बाद अभी सनलाइट आ चुकी है जस्ट अपने पीछे और मोटर से निकल रहा है पानी। ये देखिए गाइस पाइपलाइन से जाता हुआ। सो धूप ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट बना दिया, तो गाइस आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो डालते हैं दवा और व्लॉग को करते हैं कॉन्टिन्यू। तो देवी और सज्जनों अभी अपन ने कर दिया है पूरा काम फिनिश दवा डालने का। सो अभी आपको हम दिखाएंगे यहाँ का व्यू, बहुत ही अमेजिंग है। सो फाइनली गाइस सारा छिड़काव का काम हो चुका है और व्यू आपने देखा है, बहुत ही अमेजिंग है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने घर और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो यहीं से करेंगे ब्लॉग की हैप्पी एंडिंग। सो अभी आप लोगों का काम बचा हुआ है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, तो फटाफट से वो काम भी आप लोग कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।